Hi guys, आज 7 तारीख है 7th April and I am forever like always stuck in traffic. I think ये मेरे पेज का एक थीम बनने वाला है मुंबई ट्रैफिक, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ गाड़ी बनाता हूँ मोस्टली और अक्सर मैं ट्रैफिक में फंसा होता हूँ. But एक सेकंड, let's show the traffic first to the audience. देखिए ये है हमारे बॉम्बे के हाईवे का ट्रैफिक जो हमेशा इसी हाल में रहता है, वो कोई भी टाइम हो. Look at the time right now, 1:41 हो रहा है. अब 24 मिनट का रास्ता है जहां मैं पहुंचूंगा, बट लुक एट द रेड लाइन. अब मुझे लगता नहीं कि ये 24 मिनट रुकने वाला है, क्योंकि ये पूरा रेड लाइन दिखा रहा है ट्रैफिक. बट एनीवे, आज मैं एक बहुत ही अच्छी रील शूट करने जा रहा हूं. एक बहुत ही अच्छी ब्रांड का कोलैबोरेशन है. मैं पूल में जाऊंगा, पूल के शॉट्स होंगे, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा आप लोगों के सामने, एंड वी विल ऑल एंजॉय द मुंबई हीट एंड द सन इन द पूल. से हाय. हाय. तो ये है अतरुद्दीन और ये मेरे बालों का करता धरता. मेरे सारे लुक्स यही बनाता है. एंड इज अ डार्लिंग स्वीट हार्ट बॉय, लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी. मतलब इस बार एक्चुअली आज पहली बार मैं अपनी ही शूट का खुद ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है. लेट्स होप वी हैव अ ग्रेट शूट गाइस. सी यू. थैंक यू. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज हेल्प यू नक्स. तो अगेन आई ऑलवेज डू इट एंड यू शुड ऑल्सो डू इट, क्योंकि दुआ सच में लगती है. एंड या बाय द वे दीज वर रियल. ये जो मैं लेफ्ट ले रहा हूँ अभी, हम जा रहे हैं आर ए कॉलोनी के अंदर. खास बात क्या है आर ए कॉलोनी की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन और बहुत ज्यादा खुला एरिया है और जंगल वाला एरिया है, तो फिल्म सिटी हो गई, बहुत सारे विलाज हो गए, वो सब कनेक्टेड है यहाँ पे. यहाँ शूटिंग के बहुत सारे स्पॉट्स हैं. इनफैक्ट बालाजी टेलीफिल्म्स के बहुत सारे यहाँ पे स्टूडियोज हैं. यहाँ बहुत ज्यादा एक आर ए कॉलोनी में फिल्म सिटी का कनेक्शन है. पीछे से हम फिल्म सिटी जा सकते हैं इस जंगल के थ्रू, क्योंकि इट्स ऑल वन बिग रॉयल पाम स्टेट का एरिया. द बेस्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट आर ए कॉलोनी, इट इज नोन फॉर वन थिंग, इज दैट रात में कभी भी यहाँ पे हमें अकेले नहीं जाना होता है, मना किया जाता है रात में अकेले जाने से, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन जंगल के एरिया में रहते हैं. अब हमने उनकी जगह ले ली है, विच इज़ नॉट ग्रेट, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट उनकी भी जगह है जो हमने ले ली है. बट वॉट हैपन्स इज़ कि जब शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, तो दोज एनिमल्स समटाइम्स कम आउट ऑन द रोड. लोगों ने आर ए कॉलोनी में तेंदुए देखे हैं, सांप देखे हैं, कोबराज देखे हैं, इंडियन कोबराज देखे हैं. और अक्सर ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पर कुछ जानवरों ने मतलब अटैक भी कर दिया है इंसानों पे, एंड दोज पीपल हैव सैडली नॉट बीन वेरी बीन एबल टू डील विद दैट इजीली, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ बैड न्यूज अबाउट इट. बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर चुके हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल लोकेशन एंड इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर. मुझे लगता है मुंबई के लंग्स बोला जाता है मुंबई के आर ए कॉलोनी को, क्योंकि यहाँ जितने पेड़ हैं, जितना ग्रीन एरिया है, जितना ओपन एरिया है, ये सारा एरिया मुंबई के पोल्यूशन को काफी हद तक काट के बैलेंस करता है बाय स्प्रेडिंग गुड ऑक्सीजन एंड फ्रेश एयर फॉर ऑल ऑफ अस. हैव अ लुक गाइस. सी ये लोग हैमक्स बेच रहे हैं यहाँ पे. ये झूला झूल रहा है, देखो गाइस, ही इज हैविंग हिज फन. बिक्री हो रही है नहीं हो रही है, सेल हो रही है नहीं हो रही, डजंट मैटर. वो अपना झूला लगा के बस बैठा है, अपना छाव में एंजॉय कर रहा है. I think जिंदगी में खुश होने के लिए इंसान को कुछ भी रीजन काफी होता है. We just have to focus on the positive. And this is a lesson actually for all of us. हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार काश मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी होती, काश मेरे बैंक में थोड़े और इतने ज्यादा पैसे होते, काश मेरे पास ये बड़ा घर होता, काश मेरे पास ये घड़ी होती, ये कपड़े होते. But if you look at it, look at this guy now. Look at this guy. अब इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं. बट ही इज चिलिंग छाव में मस्त अपनी जगह बना के. दोनों तरफ ग्रीनरी है, गाड़ियां चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. ही इज चिलिंग. सो गाइज ऑलवेज बी लाइक दिस. इनफैक्ट मैं अपने आप को भी यही सिखाता हूँ कि निशांत ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव, क्योंकि जिंदगी में ऊपर देखोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज देर इज ऑलवेज समथिंग मोर दैट यू कैन बाय, यू कैन अचीव, यू कैन गेट. बट इफ यू थिंक ऑफ वॉट ऑल यू हैव एंड हाउ लकी यू आर कम्पेयर टू ऑल द अदर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग आउट देयर, एंड यू विल रियली थैंक गॉड, यू विल रियली थैंक योर डेस्टिनी कि आप यहाँ हैं और वहाँ नहीं. वैसे यहाँ बहुत तबेले भी हैं गाइस. ये देखिए तबेला है, यहाँ बहुत सारी भैंसे हैं, ये पूरा तबेला है. आर ए कॉलोनी में तबेलों का भी बहुत बिजनेस है. एंड गाइज डोंट टेक मी सीरियसली गाइज, प्लीज डोंट टेक मी लाइटली. ये तबेलों का जो बिजनेस है ना, दीज पीपल मेक करोड़ अ ईयर जस्ट बाय सेलिंग मिल्क फ्रॉम आर ए कॉलोनी. एंड आर ए कॉलोनी का मिल्क बहुत फेमस है. ये देखिए सारी गाय भैंसे, मोस्टली भैंसे, चारा पूरा यहाँ पे स्टेबल है, ये इनका तबेला है ये. एंड दे आर ऑल जस्ट हैविंग अ बिजनेस दैट दे डू एवरी डे.
पूरा एक इंडस्ट्री है आर्य कॉलोनी में मिल्क का, मिल्क प्रोडक्ट्स का, तो आर्य मिल्क करके एक ब्रांड भी आती है, तो आर्य कॉलोनी के अंदर ही शायद आर्य वालों की ही ये मिल्क ब्रांड है जो पूरे मुंबई में जाती है बाय द वे, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी डूइंग दिस, लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्स फॉर लॉट ऑफ पीपल इन मुंबई। Actually, I always get confused between Bombay and Mumbai. You know, I know it's supposed to be called Mumbai, लेकिन दिल में बॉम्बे ऐसा बसा हुआ है ना कि मुंह से बॉम्बे ही निकलता है। जब भी मैं बॉम्बे आता था तो एक ऐसा रहता था कि हमको जैसे हम लोग इंडिया से न्यूयॉर्क जाते हैं ना, एक फीलिंग आती है कि यार हम फॉरेन कंट्री आए हैं, यहाँ पर ग्लैमर है, यहाँ पर रिचनेस है, यहाँ पर सब लोग बड़े हाई फाई हैं, तो एक फीलिंग थी बचपन में कि यार बॉम्बे जाना है, बिकॉज बॉम्बे इज वेयर द फ्यूचर इज। तो ऐसा लग रहा है हम DDLJ के खेतों के पास जा रहे हैं, शाहरुख और काजोल यहाँ पे मिलेंगे गिटार बजाते हुए इन खेतों में। So guys, हम आ गए हैं रॉयल पाम्स एस्टेट। मकरंद मैक ने शानू। तो गाइस मिल गए मुझे जिनको मैं ढूंढ रहा था। ये क्या चल रहा है पे अमेज़न का? अच्छा आप लोगों के यहाँ चल रहा है क्या? ठीक है, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊँ? तो बचपन में मैंने गाड़ी चलाना सीखा था दो बार क्लासेस लेके, और दोनों बार फेल हो गया था। ये बात मेरे को अभी याद है क्योंकि मैं रिवर्स में गाड़ी ले रहा हूँ, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ द स्किल्स आई हैव एज अ ड्राइवर। मैं बहुत सारे स्टंट्स भी गाड़ी के खुद ही करता हूँ अपने शोज में। बताना ये है मुझे आपको कि बचपन में मैंने दो बार क्लासेस ली थी, जहाँ पे एक टीचर रोज सुबह आता था 8 बजे, मुझे गाड़ी में बिठाता था, एक खटारा सी पुरानी होंडा सिटी होती थी उसके पास, उस पे एल लगाते थे बड़े बड़े, एंड मैं उसमें बैठ के ऐसे गाड़ी चलाता था डर डर के। वो मुझे होता था ब्रेक एक्सेलरेटर गियर ट्रैफिक लेफ्ट देखो राइट देखो, और मैं नर्वस रहता था कि मैं सीख ही नहीं पाता था भाई ड्राइविंग होती कैसे, मुझे लगता था मैं ड्राइविंग नहीं सीख पाऊंगा क्या। और मेरे पापा इतने अच्छी ड्राइविंग करते हैं, मेरे डैड इतने कमाल के ड्राइवर हैं, मतलब गाड़ी इतनी अच्छी चलाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं चला सकता भाई। तो मैंने जब दो बार सीखा और दोनों बार मैं फेल हो गया, दोनों बार मैंने छोड़ दिया क्लास, मतलब जितने भी क्लासेस करके छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन मुझे कुछ हुआ सुबह, मैंने मम्मी को बोला मम्मी गाड़ी की चाबी चाहिए। कहती क्यों? मैंने कहा बस थोड़ी आगे पीछे करके थोड़ा अपने घर के आसपास एक चार सर्कल काट के आ जाऊंगा मैं। माय पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी लविंग एंड काइंड, दे लाइक हां बेटा जा ठीक है। मैंने उस दिन गाड़ी पहली बार अकेले ली, उस दिन मैंने गाड़ी चलाई, पूरी कॉलोनी में गाड़ी चलाई मैंने अपनी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आज मैं गाड़ी के स्टंट्स कर सकता हूँ, और उस दिन से लेकर आज तक मैं ये बोलने में प्राइड फील करता हूँ आई एम वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कामेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी एक मेरा नेचर है कि जब मुझे लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, समझो अगर मेरी ये गाड़ी है और सामने की गाड़ी ने सडनली ब्रेक मार ली, तो ये जो आधा एक सेकेंड का टाइम होता है ना जो हमें रिएक्शन देना होता है, उस टाइम में आई समहाउ बिकम सो काम, मतलब मेरी सांसें ऐसी नॉर्मल हो जाती है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब दुनिया पैनिक करती है ऐसी सिचुएशन में, मैं ऐसा काम हो जाता हूँ एंड आई एम एबल टू थिंक वेरी क्लियरली एंड आई इजीली जस्ट यू नो एस्केप एंड देन आई जस्ट स्माइल। ये मेरा नेचर है लाइफ में, जब भी कोई क्राइसिस आता है मेरे ऊपर, उस क्राइसिस को जब तक डील करना ना पड़े तब तक मैं बहुत सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन जब क्राइसिस सामने आ जाता है मेरे, आई बिकम सुपर काम एंड आई जस्ट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज अब करना है नहीं तो मरना है वाली बात हो जाती है, तो जब मरना नहीं है तो करो। सो गाइस दिस इज द प्लेस आई एम शूटिंग टुडे, लाइक नॉट दिस, दिस इज द देयर इज अ विला बिहाइंड द एम्बुलेंस दैट यू कांट सी राइट नाउ, आई विल शो यू लेटर, बट दिस इज द लोकेशन, इट्स ऑन अ हिल लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, जस्ट हैव अ लुक। ये नीचे स्टूडियोज हैं बाय द वे, ये जो ब्लू कैनोपीज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये सब स्टूडियोज हैं जो मेकशिफ्ट स्टूडियोज होते हैं, इनके अंदर आप काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता चला कि आज यहाँ पर अमेज़ॉन की शूट चल रही है, तो अमेज़ॉन की शूट यहाँ चल रही है और यहाँ पे हमारा आई थिंक कोई फिल्म का शूट चल रहा है नीचे। तो गाइस दिस इज़ द विला, यू नो ये बाहर से आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन शूटिंग सेट्स अक्सर बाहर से ऐसे ही दिखते हैं, इनसाइड इज द रियल ब्यूटी। एक्चुअली फीलिंग आ रही है वैष्णो देवी वाली, हिल चढ़ चढ़ के। Wow, I just saw a beautiful car. Oh shit, it's a beautiful car, yaar. It's a Ford Mustang. अच्छा बाय द वे से हाय टू शाहनवाज। शाहनवाज ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इज अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट, और मेरी जौहरी की वेब सीरीज में पूरा मेकअप शाहनवाज ने किया, एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग।